हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एक्सेल। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में डेट वैल्यू फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहां पर एक सैंपल डेटा तैयार किया हुआ है, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में डेट वैल्यू फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ डेट हैं, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर 2018, 1 मार्च 2019। तो इसमें डेट के अलग अलग फॉर्मेट हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि डेट वैल्यू के थ्रू इनकी डेट आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेट में अगर चाहिए तो आप इस फंक्शन का यूज करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना है, डेट वैल्यू, देन टैब, जिस डेट को आपको डेट वैल्यू में करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं पूरा ये मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको और इंटर कर देता हूँ, ठीक है। इंटर करते ही ये आपने देखा तो सबको इसने क्या है कि जिस डेट में जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है डेट का, उसने इसको सब में कन्वर्ट करके हमें इसका रिजल्ट यहाँ पर दे दिया। जैसे यहाँ पर 1 दिसंबर 2019 है, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है उसमें क्या होता है कि तो जो मंथ है वो पहले आता है, डेट बाद में आता है, देन उसके बाद ईयर। तो इसको आपने देखा कि इसने सभी को जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में कर दिया है। तो इस तरह से आप इस डेट वैल्यू फंक्शन का एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक माय एक्सेल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।